Hi, welcome all of you to British and American Institute. My name is Jess Joseph. Today in this video, हमने बात करना है नानी केयर गिवर वीसा मिलने के लिए आपको कितनी कॉस्ट टोटली आपको कितना खर्चा पड़ेगा. सो पूरा के पूरा मीन्स अभी आप कहाँ पे उधर से लेकर सो गेटिंग अप सी इवन टू द एयर टिकट कितनी खर्चा पड़ेगा. सी वी विल एक्सप्लेन सी आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल राइट. सो स्टे विद मी. सो सबसे पहले आपको पता ही है सी ये तो एक वर्क परमिट है. सो इसमें एक एम्प्लॉयर आपको होना चाहिए मीन्स कोई ना कोई आपको स्पॉन्सरशिप अदरवाइज आपको जॉब देना है. सो आप सोचो अगर आपके पास है जॉब ऑफर है राइट. सो यू हैव एन एम्प्लॉयर अगर आपके पास आपको एक एम्प्लॉयर है और नहीं तो आपके पास एक जॉब ऑफर लेटर है. सो देन बाकी खर्चा देखते हैं क्या है. सो इसको मैंने डिवाइड किया है टू केसेस में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फाइल प्रोफाइल रेडी करने के लिए कितना खर्चा होगा और वाइल यू आर अप्लाइंग कितना है. सो टू मीन्स आपका फाइल रेडी करने के लिए कितना खर्चा है. सबसे पहले आपने देखना है कि आपका सर्टिफिकेट को ईसीए करना है. ईसीए स्टैंड्स फॉर एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट मीन्स हमने इंडिया में जो भी डिग्री डिप्लोमा जो भी आपने किया है वो कनाडा की कौन सी डिग्री और डिप्लोमा की इक्वलेंट है उसके बारे में देखना है. सो ईसीए रिपोर्ट लेने के लिए सो इट कॉस्ट यू 230 कैनेडियन डॉलर्स प्लस $85 अगर आप चाहें तो आपको एक स्पेशल कोरियर पैकेज मिलेगा वो $85 उसके लिए देना पड़ेगा. अगर नहीं है तो नॉर्मली 230 कैनेडियन डॉलर्स दैट्स द नॉर्मल चार्जेस. सो आप सोचो ये तो ऑलमोस्ट 350 कैनेडियन डॉलर्स आ गया राइट. सो दैट इज द फर्स्ट कोर्स. देन सेकेंड थिंग दैट इज नानी कोर्स. सो नानी कोर्स आपको पता ही है. सो इट कॉस्ट यू अराउंड 50 से लेकर 1 लाख तक इसकी रेंजेस है. 6 मंथ्स की कोर्स है तो इट इज़ अकॉर्डिंग टू द सिटी इट वेरीज. सो नॉर्मली वॉट वी डू इट एट $70,000. सो फॉर द 6 मंथ्स कोर्स वी चार्ज ओनली 70,000 rupees. सो दैट इज वी टेक इट एज अ बेसिक एंड टू 1 लाख इवन मे बी तो आपको हो सकता है तो 1 लाख तक हो सकता है फॉर द नानी कोर्स. एंड थर्ड थिंग आपने करना है आईलेट्स करना है राइट. सो आईलेट्स के लिए आपको टू केसेस है. आइदर आप ट्रेनिंग भी लेना होगा टेस्ट भी देना है. सो आईलेट्स ट्रेनिंग के लिए आप देखो एक महीने के लिए नॉर्मली 8,000 से 10,000 तक इसके बीच में चार्ज करते हैं. सो 2 मंथ्स मे बी प्रोबेबली यू पीपल नीड 2 मंथ्स और मे बी मोर देन दैट और लेस देन दैट. सो इट्स अकॉर्डिंग टू यू आपका लेवल कैसे उसके हिसाब से वो चेंज होगा. सो वी गेस इट एज 20,000 एंड इसका टेस्ट फीस है इट इज 14,000. सो इट इज 34,000 इन टोटल. सो आईलेट्स के लिए आपको खर्चा होगा 34,000. देन इसके बाद आपने एक रेड क्रॉस की सर्टिफिकेट भी करना है. रेड क्रॉस की एक फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होता है वो 10 डेज की क्लास ही होता है. सो इट कॉस्ट यू ऑल 700 rupees ओनली राइट. दैट इज द नॉर्मल कॉस्ट. सो इतना है तो ऑलमोस्ट आपको बोल सकता है सो यू कैन से दैट यू आर ऑलमोस्ट डन विथ योर कोर्स. एंड इसमें और भी खर्चा होता है अगर आपने आपका प्रोफाइल असेस करना है. सी एक्चुअली वी हैव प्रोफाइल असेसमेंट चार्जेस. व्हाट आई सजेस्ट यू इज तो आपने कुछ भी करने से पहले क्योंकि इतना खर्चा इसमें पड़ा है तो इसलिए कुछ भी करने से पहले पहले आपका एक प्रोफाइल असेस कर लो क्योंकि असेसमेंट में से आपको पता चलेगा कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट आपको एलिजिबिलिटी है और नहीं राइट. सो इतना खर्चा करने के बाद करने का कोई फायदा नहीं है राइट. सो दिस इज बिफोर यू अप्लाई दिस इज द कॉस्ट. सो इट कॉस्ट यू ऑलमोस्ट सी आप सोचो 15-16,000 लेते हैं. सी टेक इट एज 16 इवन राइट. सो इट इज़ ऑलमोस्ट 15,000 से ऊपर है तो 16,000 आपका क्रेडिट कार्ड चार्जेस अभी मिलाकर टेक इट एज 16,000 एंड 70,000 द बेसिक दैट हमने कितना चार्ज कर रहे वही हमने सी वी विल टेक इट एज ए बेसिक एंड 70,000 फॉर दिस एंड 34,000 फॉर दिस एंड 34 एंड 16 मेक्स 40 70 मीन्स 1,10,000 एंड 700 लेट इट बी. सो 1,10,000 आप सोच लो कि 1,10,000 है और इससे ज़्यादा है
sorry, it makes 50. So 1,20,000. 1,20,700 आएगा आपका टोटल कॉस्ट बिफोर यू अप्लाई. सो वाइल यू आर अप्लाइंग, आपको कितना खर्चा पड़ेगा वाइल यू अप्लाई. सी आपके पास बाकी सर्टिफिकेट्स अभी है. सी देर आर अनदर सम डॉक्यूमेंट्स और भी चाहिए इसके साथ. सी यू हैव टू ऐड दैट. जस्ट कॉन्टैक्ट अस इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस. एंड वाइल यू अप्लाई यू नीड, सी आपको पता ही है कि ये वर्क परमिट भी है और पीआर भी है. सो इसलिए हमने वर्क परमिट का भी पेमेंट करना है. वर्क परमिट का आपको चार्जेस पड़ेगा 155 कैनेडियन डॉलर्स. एंड फॉर पीआर, सो पीआर का भी प्रोफाइल इकट्ठे ही आपने करना है. सो फॉर दैट यू नीड टू पे 499 कैनेडियन डॉलर्स. एंड आपका बायोमेट्रिक्स के लिए इट कॉस्ट यू 85 कैनेडियन डॉलर्स. सो इतना तो आपने एम्बेसी में ही पे करना होगा, राइट? सो एम्बेसी के लिए पे करना होगा. और VFS जो चार्जेस लेते हैं वो तो नॉर्मली 3,800 रुपीज़ लेते हैं अगर आपने उनसे सर्विसेज वगैरह करवाना है तो. और सी फॉर मेडिकल, मेडिकल भी आपने करना है. मेडिकल के लिए 6,000 से लेकर कॉस्ट यू ऑलमोस्ट 10,000 अप टू. तो ये तो पक्का नहीं है. सो इट्स अकॉर्डिंग टू दिस हॉस्पिटल्स इट वेरीज. सो दिस इज द टोटल कॉस्ट दैट इज इंक्लूडेड इन. तो इसीलिए सी नथिंग एल्स, राइट? सो एक्स्ट्रा है और भी है. सो यू नीड टू डू योर एयर टिकट्स. एयर टिकट्स इट कॉस्ट यू 60,000 to 80,000 में भी है तो 1,00,000 भी चले जाते हैं. अकॉर्डिंग टू द टाइम इट वेरीज. एंड दिस इज द नॉर्मल कॉस्ट ब्रेकडाउन ऑफ गेटिंग ए केयर गिवर वीसा. सो सी टेक इट अस, सी यू कैन मेक इट अप हाउ मच डॉलर्स इट मेक्स. सो 500, राइट? तो कैनेडियन डॉलर, एक कैनेडियन डॉलर तो 52-53 रुपीज़ में चलते हैं. आप अप्रोक्सीमेट बना देना कि हाउ मच इट टेक्स. सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स, आपको कोई भी डाउट्स है इसके बारे में, और नहीं तो आपको एलिजिबिलिटी के बारे में, आपका प्रोफाइल असेसमेंट करना है, नैनी कोर्स करना है, और ECS सर्विसेज के बारे में, सी वाट एवर द डाउट्स यू हैव यू कैन मैंशन इन द कमेंट. एंड अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं यू कैन कॉन्टैक्ट अस. वी हैव 3 institutes इन पंजाब एंड वी हैव ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो. एंड हमने को सभी सर्विसेज हम करके देते हैं. डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. तो एंड इवन इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस, मींस आपको टोटल इसके बारे में समझना है, जानना है, सो वी आर कंडक्टिंग वेबिनार्स ऑन डेली बेसिस और मे बी ऑन वीकली बेसिस. एटलीस्ट ऑन वीकली बेसिस वी हैव वेबिनार्स. सो वो क्लिक करना है, इसका लिंक में क्लिक कर लो. सी इट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो आप क्लिक कर दो, यू विल बी डायरेक्टेड टू द नेक्स्ट वेबिनार सेक्शन. सो दैट सेक्शन आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग दैट इज इंक्लूडेड इन इट. एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके सभी के बारे में. एंड ऑल्सो अबाउट द चैनल, वी आर अपडेटिंग ईच इंफॉर्मेशन, एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नैनी कोर्स, केयर गिवर वीसा इन दिस चैनल. प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू थिंक इट इज वैल्यूबल. सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.